अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ एसएनजे आज आपके लिए मसाला कलेजी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ सिंपल इजी हम बकरे की कलेजी बना रहे हैं। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी नाज़रीन, मसाला कलेजी के इंग्रेडिएंट्स, कलेजी हमने ली है 400 ग्राम, और ये देखें बहुत छोटी छोटी सी कटी हुई है। इसके अलावा दही हमने 200 ग्राम लिया है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, दो हरी मिर्चें हैं। अगर आपके पास हरी मिर्च छोटी हो तो चार ले लीजिएगा, मेरे पास बड़ी बड़ी थी तो मैंने दो ली हैं। दो चम्मच लहसुन अदरक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ कप तेल। तो चलते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और अब सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, देखें प्याज हमारी हो गई है गोल्डन ब्राउन। अब सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे और मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है। थोड़ा सा लहसुन मिक्स होकर हो गया तो फिर अब हम इसमें यह अपनी कलेजी डालेंगे। ये बकरे की कलेजी है, आप इसी रेसिपी से गाय की भी बना सकते हैं। नाज़रीन, ये देखें कलेजी का जो कलर है वो चेंज हो गया। तेज़ आंच से पकाएं इसको फौरन। और अब हम इसमें दही फेंट के डालेंगे। और साथ में हम इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करके और इसी दही के साथ हम इसको थोड़ा आंच मीडियम करके और इसको थोड़ा सा देर पकाएंगे, तकरीबन 10 मिनट मीडियम टू लो आंच पे, कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारी कलेजी भी इतनी देर में गल जाएगी। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। मीडियम टू लो आंच कर देनी है इसको ढक्कन लगा के, और तकरीबन 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये नाज़रीन, तकरीबन 10 मिनट गुजर गया, हमारी कलेजी गल चुकी है। अब हम आँच तेज़ करके उसे भूनेंगे और इसमें हल्की सी स्मेल होती है वो हमें ख़त्म करनी है। तो ये मैंने जो हरी मिर्चों की ये भी डाल दी और अब हम इसको भूनेंगे। भुनाई के साथ साथ ये भी इसका नमक मिर्च भी आप इस पर चेक सकते हैं, अगर आपके हिसाब से कम हो इसमें बढ़ा सकते हैं। मैंने बहुत माइल्ड सा आपको मसाला बताया है इसका नमक मिर्च। ले लीजिए नाज़रीन, ये मैंने अच्छे से भून लिया है। इसको चेक कर लें कि तकरीबन 5 मिनट भूना है, दही का पानी वगैरह सब खुश्क हो गया और इसमें से स्मेल, इसकी स्पेशल जो स्मेल होती है कलेजी की वो ख़त्म हो चुकी है। और सिंपल तरीके से ये देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीके से मसाला कलेजी तैयार हो चुकी है। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार मसाला कलेजी तैयार है, बहुत सिंपल और इजी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे इजी से इजी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।